हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के वीडियो सीरीज़ का एक पार्ट है। ओके, तो हम देखेंगे कि हम स्क्वायर रूट हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम कैसे निकालते हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था डेट स्क्वायर रूट हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कोई मैं आपको स्टेप्स नहीं बताऊंगा। वैसे आप बुक्स में देखोगे या इंटरनेट पे अगर आप देखोगे तो आपको इसमें स्टेप्स मिलेंगे कि भाई पहले आपको ये करना है, फिर ये करना है। तो दोस्तों मैं आपको स्टेप्स रटने के लिए नहीं कहूँगा और ना ही मैं आपको स्टेप्स कोई बताऊँगा। मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू ही सारे स्टेप्स आपको बताऊँगा। ओके, प्रैक्टिकली परफॉर्म करके कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 784, ये हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो इसे हम कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो आप लिख लो 784, ठीक है। अब इसका सबसे पहला इम्पोर्टेंट स्टेप क्या है, हम पीछे से मीन्स फ्रॉम दिस साइड। ओके, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अगर देखा जाए तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हम इसमें पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो पेयरिंग का मतलब क्या होता है कि दो का जोड़ा बनाते हैं, दो डिजिट का हम पेयर बनाएंगे। तो देखो, तो फर्स्ट पेयरिंग किसका बन जाएगा, 84 का पेयर बनेगा। और नेक्स्ट हमारे पास 7 है, तो 7 के साथ कोई पेयर बनाने के लिए तो कोई है ही नहीं, 7 अकेला है बेचारा। ओके, तो इसको अकेले ही हम रहने देंगे। ओके, इस एरो को मैं मिटा देता हूँ सो डेट कि आप कन्फ्यूज़ ना हो। तो देखिए अब क्या है, हमने पेयरिंग बना ली है। अब नेक्स्ट स्टेप, हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। ध्यान रहे कि पेयर और पेयर के ऊपर ये लाइन ना जाए। तो देखिए, ये 84 का पेयर हमारे पास बना हुआ है, यहाँ 7 अकेला है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए जैसे आप डिवाइड करते हो तो डिवाइड करने के लिए क्या है, जैसे यहाँ 7 है अकेला यहाँ पे, ठीक है। तो आप डिवीज़न में क्या करते हो, आप 2, 3 या 6 लगा दोगे। ओके, फिर रिमाइंडर आपका 1 आएगा। लेकिन लॉन्ग डिवीज़न मेथड से जब आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हो तो इसमें हम करते क्या हैं, इसमें हम 2, 2 जा, 3, 3 जा, 4, 4 जा, हम इस तरीके से करते हैं। आप 2, 3 जा, 6 नहीं करोगे, मीन्स आप सेम डिजिट से ही मल्टीप्लाई करके देखोगे, आप सेम डिजिट से ही लगाओगे। जैसे यहाँ पे अगर मान लो आप लिखते हो 3, ओके मान लीजिए अगर आप 3 लिखते हो तो फिर 3, 3 जा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर 3, 3 जा 9, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 3 से हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे 3 से हम कम जाएंगे। तो 3 से कम क्या होगा, 2, तो फिर 2, 2 जा, ठीक है। तो 2, 2 जा कितना होता है, 4, यहाँ 4 लिख दिया। अब यहाँ अगर आपने 2 लिखा है, देखिए यहाँ आप जो भी नंबर लिखोगे इसके नीचे आप सेम नंबर लिखोगे, ये याद रखना। आप यहाँ जो भी डिजिट लिखोगे वहाँ सेम डिजिट आप नीचे आप लिखोगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 7 माइनस 4, इधर तो जैसे आप डिवीज़न में माइनस करते हो बिल्कुल, बाकी पूरा का पूरा डिवीज़न का स्टेप है, ठीक है। ये 7 माइनस 4, ये आ गया 3। ओके, और यहाँ एक क्या है, यहाँ पे 2 और 2 ऐड हो जाते हैं और ये हो जाता है 4। 2 और 2 ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। अब हमारे पास क्या बचा, देखिए अब क्या है, 84 का पेयर बना हुआ है, तो ये पूरा का पूरा 84 जो है वो एक साथ आएगा, क्योंकि 84 क्या है, 84 का तो पेयर बना हुआ है। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि 8 आएगा, पूरा 84 एक साथ आएगा। तो 84 को मैं एक साथ यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर होगा, ठीक है, यहाँ पे हम ऐसा कौन सा नंबर लिखेंगे। जैसे मैं इसको इधर रफ में आपको बताता हूँ कि जैसे आपके पास ये 4 है, ठीक है, और यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये डिजिट और ये डिजिट ये दोनों सेम होगा। ओके, हम सेम नंबर से, जैसे मान लो अगर यहाँ 2 लिखते हो तो यहाँ भी 2 लिखोगे आप। ओके, और फिर 2 लिखोगे तो फिर 2, 2 जा 4, ठीक है, और 2, 4 जा 8, इस तरह से होगा। अगर आप यहाँ 3 लिखते हो, ठीक है, अगर यहाँ आप 3 लिखते हो, ओके, तो यहाँ भी नीचे भी क्या होगा, 3 होगा। ओके, ये चीज़ समझने वाली बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात यह है कि यहाँ पे आप कौन सा नंबर लिखोगे। तो देखिए, आप ये एक हेल्प आप ले सकते हो, हल्का सा लॉजिक लगाओ तो आपको हेल्प मिल जाएगा। आप नंबर देखो, 384 आपको चाहिए, ठीक है, तो लास्ट में इसके क्या है, 4 है, लास्ट में 4 है। तो अब आप यहाँ पे ये देखो कि कौन से ऐसे नंबर हैं जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट डिजिट जो होता है 4 आता है। तो एक तो आप बोलोगे सर 2 इंटू 2, लास्ट में 4 आ रहा है, ठीक है चलो मान लिया, लेकिन 2 से हमने लगा के देख लिया, 2 तो बहुत ही छोटा, सिर्फ 84 आएगा, तो हम 2 को तो कंसिडर करेंगे ही नहीं। चलिए अब 2 के बाद की हम बात करते हैं, तो 2 के बाद कौन सा हो सकता है, 3 होगा नहीं, 4 भी नहीं होगा, 4 4 16, लास्ट में 6 आता है,
फाइव भी नहीं होगा, सिक्स भी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में सिक्स आता है। फिर सेवन सेवन जा 49, लास्ट में नाइन आ रहा है। एट एट जा 64, एट से अगर आप लगाओगे एट एट जा तो ये आ रहा है 64, इसके लास्ट डिजिट क्या है, फोर है, तो इससे प्रोबेबिलिटी है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 48 इंटू एट, आप रफ में ही कैलकुलेट करके देख लो क्या 384 आ रहा है। एट एट जा 64, कैरी फोर और सिक्स, एट फोर जा 32 और सिक्स कितना हो जाएगा 38, देखिए बिल्कुल 384 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस रफ़र को तो पहले मैं मिटा देता हूँ सो डैट कि आप कन्फ्यूज़ ना हो, ठीक है। मैं रफ़र को मिटा देता हूँ और ये बस रहने देता हूँ कि मैं लाया कैसे ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एट, तो 48 कितने टाइम्स लगा रहे हो, 48 एट जा, और एट आपने यहाँ लिखा है तो एट आपको नीचे भी लिखने होगा, तो 48 एट जा कितना हो जाएगा 384, ओके। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, ये कट गया, ठीक है, कट गया आपके पास। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, फिर इसको ऐड नहीं करना है, यहाँ पे ऐड करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया 28, क्योंकि लास्ट में कट गया, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया 28। तो 784 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 28 हो गया। होप सो आपको ये समझ में आया होगा, ओके। अगर आपको हल्का फुल्का भी डाउट है तो एक बार आप इसे नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों आप फिक्र मत करो, मैं आपको इतने क्वेश्चन आज करवाने वाला हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप बस समझते जाओ मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। देखिए अब है आपके पास 5329, आप बस मेरे साथ चलो, 5329 है आपके पास। तो हम पीछे से, हम अगेन हमारा पहला स्टेप क्या था, पीछे से हम पेयरिंग लगाएंगे, तो पेयरिंग दो का हम लगाते हैं, तो ये लो ये दो का लगाया, फिर यहाँ भी टू डिजिट है तो इन दोनों का लगा लिया। अब एक लाइन खींचो, ये लो लाइन खींच दिया, ठीक है, तो ऊपर थोड़ा सा स्पेस कम है, कोई बात नहीं एडजस्ट कर लेंगे। तो देखिए अब 53 है आपके पास, आपको 53 लाना है, तो आप 53 कैसे ला सकते हो, दो नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई करो जो या तो 53 आए नहीं तो 53 से कम आए। तो अगर हम ऐसा करते हैं, एट एट जा 64, ज़्यादा हो गया 53 से, फिर सेवन सेवन जा 49, ओके, तो सेवन सही है, सेवन सेवन जा 49 हम लगाएंगे, सेवन सेवन जा 49, ठीक है, फिर ये हो जाएगा 429, ठीक है। फिर सेवन टाइम्स हम लगाएंगे इसको, सेवन ऊपर लिखा है तो नीचे भी लिखेंगे, ये सेवन था इसलिए हमने नीचे भी ये सेवन लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 14। अब देखो 53 माइनस 49 फोर आया, और ऊपर का 29 पूरा हम यहाँ पे लेके नीचे आ गए हैं, एक साथ लेके आए क्योंकि पेयर में था। अब देखिए अब यहाँ पे है 14, तो यहाँ पे आप ऐसा कौन सा डिजिट लिखोगे, ठीक है, कि मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में नाइन आए। तो देखिए 3 3 जै 9 हम ये जानते हैं, तो हम 3 से ही ट्राई करते हैं ना, 3 से ही ट्राई कर लो, तो 3 3 जै 9, 3 4 जै 12, कैरी 1, 3 1 जै 3 और 4 4 29 एग्जैक्ट आ गया। तो हम दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ भी 3 आएगा, 143 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, ओके, तो ये आ जाएगा 429 और ये आपका कट गया, और कट गया तो यहाँ पे अब आगे इधर ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप सॉल्व नहीं करोगे आप, ओके। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आया 73। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, इसे नोट करते जाइए साथ साथ में और समझते जाइए कि मैं कैसे कर रहा हूँ। कुछ स्टेप्स है इसमें, सबसे पहला स्टेप पेयरिंग का है, पेयरिंग हम कर रहे हैं, पेयरिंग करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे सेवन सेवन जा एट एट जा सिक्स सिक्स जा, बस इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद इधर तो क्या हो रहा है, इधर तो सब्ट्रैक्शन जैसे हम डिवीजन में करते हैं, ठीक है। और एक नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो पेयरिंग में था आपके पास, तो पेयरिंग वाले को हम एक साथ नीचे लेके आते हैं, ठीक है, और इधर हम क्या करते हैं, इधर ऐड करते हैं। तो ऐड करने के बाद जैसे मान लो ये 14 आया, तो अब हमने यहाँ पे एक डिजिट रखा, अब वो जो डिजिट होगा सेम डिजिट यहाँ होगा, तो जैसे 3 रखा तो 143 3 जा पूरा ये 429 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास 7056, ठीक है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये डिजिट 7056। अच्छा कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर आप तो बहुत छोटे छोटे डिजिट ले रहे हो, 7056 चार डिजिट के, हाँ ये तीन डिजिट के, तो कोई बात नहीं है, आप वेट एंड वॉच, मैं बड़े डिजिट्स भी लूँगा। तो 7056 है आपके पास, पहला स्टेप क्या था, पेयरिंग करना। तो चलो मैं थोड़ा सा कलर भी चेंज करता हूँ, ओके। तो 7056 तो पीछे से हमने पेयरिंग लगाया, तो 56 का और फिर 70 का, ओके। तो अब देखिए
अब यहाँ पे क्या है, ये 70 है, तो ऐसे कौन से दो नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे कि या तो 70 आ जाए या 70 से कम आए। तो 70 तो आई डोंट थिंक कि कोई दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे, जैसे 8 8 जा 64 होता है, 9 9 जा 81 होता है, तो 70 तो आएगा ही नहीं। तो हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा अगर मैं 9 से लगाता हूँ तो 9 9 जा 81, 70 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 8 से लगा सकते हैं, 8 8 जा 64। तो लो 8 से लगा दिया, 8 8 जा 64। अब यहाँ जब 8 लिखा है, देखो यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझो आप, यहीं पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, यहाँ ऊपर जो 8 लिखा है तो भाई नीचे भी हम 8 लिखेंगे, ध्यान रखना कि सेम डिजिट हम नीचे लिखते हैं। अब इधर तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, 70 माइनस 64 ये 6 हो जाएगा, और ये 5 6 हो जाएगा। इधर क्या आएगा, 8 प्लस 8 ऐड करेंगे इधर, तो ये हो जाएगा 16। अब बात आती है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लिखा जाए जिसको क्या हो कि भाई मल्टीप्लाई करने का 656 ही आ जाए। तो देखो जैसे 1 और 6 है तो आपको चाहिए लास्ट में 6, तो 2 2 जा नहीं आएगा, 2 2 जा 4 आता है, 3 3 जा 9 आता है, 4 4 जा 16 का लास्ट में 6 आ रहा है, तो आप 4 से ट्राई कर सकते हो, 4 से ट्राई करो, 4 4 जा 16 कैरी 1, तो ये 4 6 जा 24 1 5 25 कैरी 2, 4 1 जा 4 और 2 6, तो 656 आ गया, और इतना ही हमें चाहिए था। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 4, थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ हो गई 4 लिखने में, चलो कोई बात नहीं, यहाँ हम लिखेंगे 4 और 164 4 जा, यहाँ भी 4 लिख दिया, ठीक है, तो 164 4 जा, और ये 4 टाइम्स लगाया तो ये आ गया 656, 656 आया। तो फिर यहाँ इधर तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, ये तो कट गया तो काम हमारा ख़त्म हो गया, इधर कोई एडिशन करने की जरूरत है नहीं, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आया, 84, ये हमारा फाइनल आंसर आया कि रूट अंडर 7056 क्या आया गया, 84। देखिए दोस्तों ये जो मेथड है, अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हो और अगर आपको अच्छे से आ जाता है तो फिर ये इसमें कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, और ये मेथड आपको काफ़ी आसान लगेगा और कम टाइम में आप इसमें अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आप कर सकते हो। ओके, तो ये देखिए 5 डिजिट का एक आ गया, आप लोग का ये कंप्लेन था कि सर आप 4 डिजिट भी क्यों कर रहे हो, तो ये लो मैंने 5 डिजिट एक उठा लिया, 92416, मैं कलर वापस रेड ले लेता हूँ, तो 92416। सबसे पहला स्टेप क्या है, पेयरिंग, ठीक है, पीछे से हमने पेयरिंग किया 16 का, फिर 24 का, और लास्ट में 9 रह गया। ओके देखिए, ओके, तो अब यहाँ पे 9 है, तो कौन से ऐसे नंबर हैं जिनको दो बार सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे या दो बार मल्टीप्लाई करने पे 9 आ जाए, 3, ओके, क्योंकि 2 2 जा तो 4 होगा, 5 और 4 4 जा 16, तो 3 3 जा 9, ठीक है, ये जो मैं इतने देर शांत था आई थिंक आप लोग के दिमाग में आ भी गया होगा, ठीक है, 3 3 जा 9 होता है, और सेम नंबर आप नीचे लिख दो। अब यहाँ माइनस करोगे कट जाएगा 9, और इधर हम प्लस करेंगे 6 आ जाएगा। अच्छा, अब 24 का पेयर है तो सिर्फ 24 ही आएगा, ओके, 24 का पेयर है तो सिर्फ 24 ही आएगा, ओके। अब यहाँ पे प्रॉब्लम एक आया कि सर यहाँ पे हम कुछ भी अगर लिखते हैं, 6 के साथ अगर 1 भी लगाते हैं तो 1 भी लगाने पे 61 आ जाता है, तो 61 तो 24 से बहुत ज़्यादा है, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 0 टाइम्स लगा देंगे, ठीक है, 60 0 जा, ओके, तो ये कितना होगा, 0, ओके। अब ये नीचे आएगा 24 और ऊपर से अब आ जाएगा 16, ये बिल्कुल डिवीज़न का ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, देखो अगर ध्यान से आप लोग, तो ठीक है, मैं यहाँ पे कोई बहुत ही अलग सा कॉन्सेप्ट लेके नहीं आया हूँ आपके पास, ठीक है, ये बिल्कुल डिवीज़न का ही कॉन्सेप्ट है, तो ये हो गया आपके पास 60 60 प्लस, ये 60 प्लस 0 60, एक स्पेस मैंने छोड़ दिया, क्या गलत किया। अब देखो क्या करना है, हमें लास्ट में यहाँ पे चाहिए कितना, 6 चाहिए, तो भाई 6 कब कब आ सकता है, एक तो 4 4 जा, ठीक है, तो देख लो भाई 6 0 4 4 जा कितना आ रहा है भाई, देख लो 4 4 जा 16, 0 है तो डायरेक्टली 16 आ जाएगा, और 6 4 जा 24, ये लो एक बार में आ गया, तो ये 4 टाइम्स लगाएंगे और ये 4 यहाँ लिख देंगे, ठीक है, तो ये 2 4
16 आ गया और ये कट जाएगा, तो अब यहाँ नीचे भी 4 होगा, ठीक है। इसको अब ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपने 4 लिख दिया, ठीक है। नहीं लिखोगे अगर इस 4 को तो भी कोई बात नहीं है, यहाँ पे इस 4 को अगर नहीं लिखो तो भी कोई बात नहीं है। तो 604 फोर टाइम्स लगाया आपने, 2416 आ गया, ओके कट गया, तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 304। 304 इज़ द फाइनल आंसर। अगर आपको लग रहा है कि मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो आप इसको वीडियो को पॉज करके पीछे करके आप इसको देख लो, समझ लो अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और देखिए दोस्तों, मेरा जो चैनल है इसमें मैं आपको कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज ऐसा नहीं कि एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, ओके। मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, और आई प्रॉमिस यू कि मैं जितने क्वेश्चंस करवाता हूँ अगर आप वो कर लोगे तो फिर आप कोई भी एक्सरसाइज आप कर सकते हो, इतनी मेरी गारंटी है। आपको फिर मुझसे आपको क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है या वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो कोई भी एक्सरसाइज में, चाहे आप कोई भी बुक अगर फॉलो कर रहे हो, तो आप क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मुझसे। चलिए अगला क्वेश्चन है 1960। ओके, तो सबसे पहला स्टेप पीछे से पेयरिंग लगाओ, लगा दिया दो दो का पेयर, ओके, और लास्ट में है 1, तो ये लो। अब 1 है आपके पास तो 1 1 जा, 1 हो गया, नीचे भी 1 लिख दिया, ये तो कट गया, आ गया अब 96, और यहाँ आ गया 2। तो अब यहाँ पे कौन सा डिजिट आप लिखोगे यहाँ पे, तो जो लास्ट में 6 आए तो 24 4 जा यही लगेगा, देख लो, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, बिल्कुल लग गया, तो 24 4 जा, अब यहाँ आ गया 96, ठीक है, ये कट गया। ऊपर से अब क्या आएगा, 0 0, और यहाँ क्या आ गया 28, 24 प्लस 4 28। अब यहाँ तो चाहिए 0, तो बहुत ही आसान है, 0 टाइम्स लगा दो। अच्छा यह ऊपर लिखा नहीं मैंने, 24 4 जा, अब 0 टाइम्स लगाया तो ये हो जाएगा 0 0, और ये कट जाएगा तो ये आ गया आपके पास 140। तो देखा दोस्तों आपने कितना आसान है, ये कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स है फॉलो करने हैं आपको, ओके। तो होप सो यू लाइक द वीडियो, और आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो मुझसे, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो ऑल्सो, सो डैट मोर एंड मोर फ्रेंड्स विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। ओके, थैंक यू सो मच।